आ चुके हैं हम लोग जिस्ट वांगजू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आज हमारा एक प्रोफेसर के साथ मीटिंग है, सिंह, क्या नाम है, होंग, प्रोफेसर होंग के साथ आज कुछ मीटिंग है, तो उसके लिए हम लोग आए हैं। तो आज आपको इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नज़ारा दिखाते हुए, तो अभी हमें C1 बिल्डिंग जाना है जो इंडिकेट कर रहा है उस तरफ। तो अब हम लोग C1 बिल्डिंग जाएंगे जो इंडिकेट कर रहा है उस तरफ वो किस तरफ नहीं पता, लेकिन उस तरफ राइट साइड पे हम लोग C1 बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। C4, जब C4 बोलता है ना बॉम्ब याद आता है। क्या बॉम्ब? C4 बॉम्ब है ना, वो कौन सा बॉम्ब? प्लास्टिक बॉम्ब, नहीं पता मेरे, एक्सप्लोसिव। मैं तो खाली वही सुना हूँ ना, एक बॉम्ब था ना अक्षय कुमार का मूवी, क्या नाम था, रिसेंट मूवी निकाला है ना भाई। और देखिए शुरू होते ही ये इंस्टीट्यूट खत्म हो गया है, ऐसा मत सोचिएगा, ये बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका, 100 यहाँ पे 3D प्रिंटिंग होता है। देखिए यहाँ पर क्रिएटिव स्पेस जो है, यहाँ 3D प्रिंटिंग होता है, 3D प्रिंटिंग का क्लास लिया था मैंने, तो क्लास लिया था इन्होंने यहाँ से। और आप बता दें कि किशोर का जो PhD है उसने सक्सेसफुली इसी साल नहीं पिछले साल मई जून में, जिस्ट लाइब्रेरी है बहुत बड़ा, जिस्ट लाइब्रेरी भी दिखा रहे हैं किशोर जी, तो ये जिस्ट की लाइब्रेरी है, ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नहीं है तो भी आपको हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, यहाँ पर कोरिया की एक अच्छी लाइब्रेरी में से गिना जाता है, बहुत इनमें बहुत सारा किताब है। हाँ तो मैं बता रहा था किशोर ने ही सक्सेसफुली इसी साल अपना PhD इसी इंस्टीट्यूट से पॉलीमर साइंस में कंप्लीट किया है और हमारे कंपनी को ज्वाइन किया है। और ये सामने कार आ गया है लिथियम बैटरी पे दौड़ने वाला, और ये C3 बिल्डिंग आ चुका है, इसी में हमें प्रोफेसर होंग को मिलने जाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन है प्रोफेसर होंग। पार्किंग यहाँ सामने लिखा है ना, ये पार्किंग, ये तो लिखा पार्किंग,